इटावा जिले में शौच के लिए गई युवती का अपहरण कर रेप का मामला सामने आया है। घटना बसरेहर थाना क्षेत्र के चकवा बुजुर्ग गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार रात लगभग 11 बजे घर में सो रही 19 वर्षीय युवती घर से थोड़ी दूरी पर बने शौचालय के लिए निकली थी। इस दौरान पहले से घात लगाए गांव के ही एक युवक ने उसे दबोच लिया और जबरन ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। काफी देर होने पर युवती जब घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने गांव में चारों तरफ उसे खोजना शुरू किया। रविवार तड़के तकरीबन 4 बजे युवती घर की तरफ गली में आ रही थी तो परिजनों ने देखा कि उसकी हालत खराब और कपड़े फटे हुए हैं। पीड़िता ने अपनी आप बीती बताई। पीड़िता ने कहा कि गांव का ही रहने वाला युवक उसे जबरन उठाकर ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? घटना का हम तो आप अंदर ऊपर सो रहे थे छत पे और बिटिया नीचे लेटी थी, हमको कुछ पता नहीं चली। लड़की सोची लैट्रिन में गई है, उसके भाई ने देखा तो लैट्रिन में देखा तो लैट्रिन में नहीं। फिर हमारी बहू ने कही कि मम्मी जी ये नहीं करें कि आप देखो जाके कहाँ है इनकी। हम लैट्रिन में गए तो हमकी भी नहीं दिखा नहीं। और फिर हमारे लड़के ने ढूंढा को कोई करी, कम से 2 घंटा 3 हो गए ढूंढा। लड़की हमारी आ गई घेरे फिर गिरी आके 2:30 बजे पे। फिर वो को हमने पूछा पाछी करी क्या हुआ था कैसे गई कैसे। हम लैट्रिन में गए थे फिर उसे आए जिन्हें कहीं छिपा था अंधेरे में, उसने मुझे पकड़ लिया, मेरा मुंह बंद कर लिया, मुझे लेगा खंडर में, उसने डारा जो मुझे। सूचना मिलने पर बसरेहर थाना प्रभारी फोर्स के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार से घटना की जानकारी ली। वह डायल 112 के माध्यम से थाना बसरेहर को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में एक गांव है चकवा बुजुर्ग, वहां पे एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे गई, जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में तत्काल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया जा रहा है तथा शीघ्र ही कल मंडे में उसका 164 करा के जो भी विधिक प्रावधान है उनके अनुरूप कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर ऋषभ दुबे उर्फ शानू निवासी चकबा बुजुर्ग के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती को मेडिकल चेकअप के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट।